इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। फाइनली एक फालतू के नेक्स्ट फोन हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च हो चुका है, मतलब वही जियो फोन नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर फालतू बोलने का रीज़न क्या है इसके बारे में भी मैं बात करूँगा इस वीडियो में। और क्या बोलूँ इस फोन के बारे में, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी चलिए बात कर ही लेते हैं। तो जो भी है प्राइस और बात बाकी फीचर्स के बारे में बात तो करूंगा ही करूंगा, बट मेन मुद्दा ये है कि ये फ़ोन जिस प्राइस पॉइंट पे आता है उसको देखते हुए इसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं। मतलब प्राइस में भी बहुत ही ज़्यादा झोल वगैरह है इस फ़ोन को लेकर, बट क्या है सब कुछ बात करूंगा। बट घूम फिर के यहाँ पर ही बात आता है कि इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं, अगर नहीं जाना चाहिए तो क्यों नहीं जाना है, अगर जाना है तो क्यों जाना है। तो जो भी कन्फ्यूजन है सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं और अनंत तो देख रहे हैं आप लोग एडी टेक रूम, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। नीचे एक लाल रंग का बटन है उभलता हुआ खिलता हुआ, ठीक है ना, मज़ेदार बटन है, वहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन उसको ज़रूर से प्रेस कर देना, और लाइक और शेयर तो कर ही देना। तो देने का तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले फालतू का रीज़न क्या है, फालतू का रीज़न ये है कि ये फ़ोन लॉन्च होने से पहले जो बात निकल के आया था, मतलब ये देखने को मिल जाएगा, वो देखने को मिल जाएगा, मतलब चारों तरफ इतना कुछ फैल गया था कि इस फ़ोन के बारे में क्या ही बोलो। सो उसके बाद अभी लॉन्च हुआ है तो अभी तो फालतू ही बोलूँगा ना इस फ़ोन को। अभी इस फ़ोन के प्राइस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मैं इतना ही बोलूँगा कि इतना कौन गिर सकता है भाई। जियो का जो ये फ़ोन है इस फ़ोन का प्राइस क्या है, 2000 रुपये, ठीक है। बट यहाँ पर हमसे एक बात छुपाई जा रहा है कि इसका जो प्रोसेसिंग चार्ज है इस फ़ोन का वो है 501 रुपीज़। मतलब पोस्टर पे मेंशन था, बट जो न्यूज़ निकल के आया है हमारे सामने तो उसके अंदर तो ये बात निकल के नहीं आया था। सो यहाँ पर तो क्या ही बोलो, ठीक है, बहुत ही चालाक है जियो। और दूसरी बात जो है वो है कि आने वाले 18 से 24 महीने तक इस फ़ोन के अंदर हम लोग को जियो का जो प्लान्स है उन सारे प्लान्स को लेना पड़ेगा। अगर हम लोग प्लान्स को नहीं लेते तो ये फ़ोन बंद भी हो सकता है। अगर आप लोग बिना प्लान के इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं तो लगभग 6500 रुपये में मिलेगा ये जियो फ़ोन नेक्स्ट, जहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पर और भी अच्छा ऑप्शन मार्केट में देखने को मिल जाता है, रियलमी की तरफ से, रेडमी की तरफ से, सैमसंग की तरफ से भी अवेलेबल है। और यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि इस फ़ोन के अंदर इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जियो सिम को ही काम पे लेना पड़ेगा, दूसरे सिम यहाँ पर नहीं चलेगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और एक अच्छी बात यह है कि इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को नहीं मिलता हम लोगों को। तो जो भी है इस फ़ोन के नेगेटिव साइड पे बहुत कुछ बोल दिया हूँ मैं, मगर ये सच है। अब इस फ़ोन के कुछ बेस्ट फीचर्स के बारे में बात करो तो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो हम लोगों को इस प्राइस पॉइंट के दूसरे फ़ोन के अंदर देखने को नहीं मिलते इतना ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पर जो पहला फीचर वो है कि रीड अलाउड ऑप्शन, मतलब अगर आप गूगल पे विजिट कर रहे हैं, अगर आपके सामने कुछ न्यूज़ वगैरह खुला हुआ है, आप उसको पढ़ना नहीं चाहते, उसको सुनना चाहते हैं, तो उसको सिलेक्ट करके आप लोग वहाँ पर उसको सुन सकते हैं किसी भी लैंग्वेज पे, मतलब इंग्लिश टू हिंदी में सुन सकते हैं, इंग्लिश टू बंगाली में, इंग्लिश टू पंजाबी वगैरह वगैरह जो कुछ भी है सभी लैंग्वेज पे आप लोग कन्वर्ट करके सुन सकते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छा फीचर है। और साथ ही साथ यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है हम लोगों को। और ये जो दो फीचर है ना वो बहुत ही यूज़फुल फीचर्स हैं उन लोगों के लिए जो लोग खासकर स्मार्टफोन को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, और साथ ही साथ इंग्लिश को उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो आई थिंक ये फीचर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अभी इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करो तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले देखने को मिल जाता है 5.45 इंच का 1/60 Hz के डिस्प्ले विद गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन। देन यहाँ पर हम लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 215 एसोसी प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, जो 2019 पे हमारे सामने निकल के आया था। 2 साल पुराना प्रोसेसर इस फोन के अंदर यूज़ किया गया है, मतलब और क्या चाहिए। देन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग का प्रगति ओएस देखने को मिल जाता है जो बेस्ड है एंड्रॉयड 11 पे।
कैमरा की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग को रियर साइड में 13 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है विथ फ्लैश लाइट, ठीक है। और सामने की तरफ हम लोगों को 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। और स्टोरेज की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग 2+32 GB के एक ही वेरियंट देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करते हैं यहाँ पर 3500 mAh का बैटरी कैपेसिटी प्लस 7W का चार्जिंग देखने को मिल जाता है। अभी मैं खुद के ओपिनियन की बात करूँ तो इस फोन की तरफ जाना चाहिए या नहीं, ठीक है, डायरेक्टली बोलो तो नहीं जाना है, बट इनडायरेक्टली बोलो तो जाना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का फंडा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल भाषा में बोलो तो अगर आप एक नॉर्मल फोन यूजर है, आपको उतना ज्यादा अच्छे से नहीं आता है स्मार्टफोन को हैंडल करना, तो आपके लिए ये फोन बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मतलब आपको उतना कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इंटरनेट को एक्सेस करना है, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखना है, कॉलिंग वगैरह करना है, इतना ही, ठीक है। तो उसके लिए ये फोन आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। और अगर आप एक अच्छा फ़ोन चाहते हैं जिसके थ्रू आप लोग एक अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा फीचर वगैरह सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं बना। तो आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा कि ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा या नहीं, ठीक है। तो आखिर में इस फ़ोन को मैं उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगा, बट एवरेज से कम ही बोलूँगा, ठीक है। मगर इस फ़ोन के अंदर कुछ अच्छा फीचर भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो उसको देखते हुए ठीक ठाक है फोन। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह है सब कुछ पता चल ही गया होगा। तो आज के लिए वीडियो को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।